ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද සරල ලොගින් සිස්ටම් එකක් PHP වලින් හදාගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකට. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අපේ ලොගින් සිස්ටම් එකට අවශ්‍ය කරන ඩේටාබේස් හදාගන්නේ. මේ ඩේටාබේස් එක හදාගෙන ඒකට අදාළ ටේබල්ස් හදාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ ලොගින් එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා මොකද්ද ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන තියරිය කියලා ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද යූසර් නේම් එකකුයි පාස්වර්ඩ් එකේ ගහුවොත් අපි ඒක හරියකද්ද වැරදිකද්ද කියලා හොයාගන්නේ අන්තිමට අපි බලනවා කොහොමද හරි එක්කෙනෙක් යූසර් නේම් එකේ පාස්වර්ඩ් එකේ ගහුවොත් एक के ना दिग्रम अपने वेबसाइट के लोग बच्चे यूज करने के लिए तैयार करने के लिए तो आप ही एक मिनट सारा लगा मैं लॉगिन नया भी हाँ बैलू होते हैं ना अपने मूल्य में तीन ने आप ही कराने डेटाबेस या खड़ा करना लॉगिन के लिए टेबल या खड़ा करने डेटाबेस का तुले ये टेबल लेकर एक एक यूजर्स ला रजिस्टर ने यूजर्स ला नगुरन रजिस्टर फॉर्म में खड़ा करने को लांग होना एडमिन हेटियट यूसर्स हदंडपूलवाई लॉगिन के टेबल के अभी अदाल यूसर नेम ये यूसर अदाल पासवर्ड सेव कर इट पास अपिकराने कौर हर यूस के इट पास अपे वेबसाइट तमंग यूसर नेम पासवर्ड हुआ ये एंटर यूसर नेम पासवर्ड अभी बाल टेबल के तीन ये एंटर यूसर नेम अदाल पासवर्ड अपे डेटाबेस टेबल डेटाबेस टेबल तीन बलना हेम तीन अभी यहा सेशन वेरियबल आगे यहाँ दिखेम अपे वेबसाइट के लॉग यूस कैटगरी आगन लुगउट ना तमंगे ब्रउसर क्लोज करना बरवे बरदी हेमेंगे अभी इरे मेसेज एंटकल तीन यूस नेम का पासवर्ड वेरदी गुड़ू मे वगे सिस्टम वेबसाइट दी सरल कुहमद मे वगे अखरा अभी दोडला बलम